नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSE वेली हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप आयुष्मान कार्ड OTP और फिंगर के प्रिंट के माध्यम से कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था, वेली का कमेंट था कि UTI पोर्टल के माध्यम से भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, CSE पोर्टल के माध्यम से जो आयुष्मान कार्ड का पोर्टल आप लिए हैं उसे भी नहीं डाउनलोड हो रहा, वहाँ पर भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड डाउनलोड बता रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आप सेल्फ पोर्टल से जाकर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। तो आखिर समस्या का समाधान क्या है, आज वीडियो पूरा देखिए, आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि समस्या का समाधान क्या है। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप OTP और फिंगरप्रिंट के माध्यम से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे कहीं से वो व्यक्ति बनवाए हैं आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबर मिलती रहती है, तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड OTP और फिंगरप्रिंट के माध्यम से कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, आयुष्मान का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आ जाएंगे, pmj.gov.in इस पर आ जाएंगे। आएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ एक मेनू का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मेनू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा आने के बाद आपको यहाँ दिखेगा BIS 2.0, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिया है BIS 2.0, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आपके सामने यह डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन दिया है, डाउनलोड योर आयुष्मान कार्ड तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो डाउनलोड कार्ड पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, इसमें आपको सेल्फ कर लेना है, सेल्फ यूज़र पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ सेल्फ यूज़र पर आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे सेल्फ पर, और सेल्फ यूज़र पर आकर के नीचे दिया है इंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और साइन इन पर बटन यहाँ मोबाइल में डाल देंगे और यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं मोबाइल में डालता हूँ, डाल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें आपको वेरीफाई कर लेना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है, यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को डाल करके यहाँ क्या करना है, आपको वैलिडेट कर देना है, इसमें OTP डाल देना है, यहाँ OTP आपको डालना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। चलिए OTP डाल कर मैं वैलिडेट कर देता हूँ, यहाँ करते ही आपके सामने यह लिखेगा OTP हैज बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड, तो यहाँ आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो पुनः यह वहीं पे लेके जाएगा और यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पुनः इस पोर्टल पर यह आ जाएगा। अब आपको फिर से पहले की तरह क्या करना है, अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल करके साइन इन कर लेना है। जैसे साइन इन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो देखिए आपके सामने बाएं तरफ डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डाउनलोड आयुष्मान कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड आयुष्मान कार्ड का जो ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ अपने राज्य का सिलेक्शन करना है, किस स्टेट से आप हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जैसे क्लिक करेंगे राज्य आ जाएगा, इसमें जो जिस राज्य के हैं राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए दिया गया है आई हैव आधार, आधार पर क्लिक कर देंगे और यहाँ आधार नंबर डालेंगे, यहाँ आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद देख सकते हैं दिया गया है OTP के माध्यम से चाहिए या फिंगरप्रिंट, यहाँ आयरिस के माध्यम से या फेस, यानी किसी एक के माध्यम से आप आसानी से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिंगरप्रिंट के माध्यम से बता देता हूँ। तो यहाँ क्लिक करेंगे, फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर लगेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद यह वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद यहाँ दिया स्कैन फिंगर, देखिए दिया स्कैन फिंगर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका फिंगरप्रिंट जल जाएगा, उसमें लाइट जलने लगेगा, उस पर आप फिंगर रखेंगे, फिंगर रखते ही यह क्या होगा, ऐसे वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं वेरीफाइड हो गया। और वेरीफाई होते ही आपको यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करेंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करते ही आपका जो आयुष्मान कार्ड है वह डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप आसानी से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर लेंगे।
तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ जैसे यहाँ क्लिक हो रहा है तो देख सकते हैं यहाँ दिखा रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना है इस कारण से दिखा रहा है। लेकिन आप डाउनलोड कीजिए, इस तरह आसानी से आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं लाइव किसी दूसरे व्यक्ति का डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह आप आसानी से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं समस्या नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भील साथियों।